कैसे ये हालत हुआ ये हम भी बताएंगे, और ये बोट आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आज इस वीडियो में फुल डिटेल्स होगा। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। मैं विश्वजीत, आप लोग देख रहे हैं बी टेक्निक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे पास आज जो ये बोट है TP 3116D2। तो दोस्तों, मेरा बहुत सा सब्सक्राइबर मुझे ये पूछ रहे थे कि भैया इसका फुल डिटेल्स वीडियो दो, इसका कनेक्शन और इस बोट को हम लेना चाहते हैं तो इस क्या क्या हमको ध्यान रखना है और इस बोट को कौन सा पर्पस में हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बोट का आज फुल डिटेल्स वीडियो होगा। और दोस्तों, आप अगर इस बोट को लेना चाहते हो तो इस बोट का क्या चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सब कुछ हम बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो बोट है 3116D2 एक क्लास डी ऑडियो बोर्ड है। तो दोस्तों, मेरे पास ऐसा ही एक सेम बोर्ड है। ये दोस्तों देख रहे कितना बुरा हालत हुआ, और दोस्तों ये बोर्ड हम कैसे ये हालत हुआ ये हम भी बताएंगे, और ये बोर्ड आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आज इस वीडियो में फुल डिटेल्स होगा। तो दोस्तों, पहले वीडियो को जल्दी जल्दी शुरू करते है। तो दोस्तों, ये जो TP 3116D2 बोर्ड है, इसमें दो IC लगी हुई होती है, TP 3116D2, और ये जो IC लगभग 100 वाट का हो जाता है, 80 से लेकर 100 वाट तक निकल लेता है एक एक सिंगल IC। और दोस्तों, इस बोर्ड का जो आउटपुट है वो सबवूफर में 100 वाट और सैटेलाइट स्पीकर में 50-50 दे देता है। इस बोर्ड का इस बीच वाला ये बेस के लिए जो सबवूफर होता है उसको घटर बनाने के लिए, ये इसका मास्टर वॉल्यूम, और ये इसका सैटेलाइट स्पीकर का वॉल्यूम कमाने के लिए। और दोस्तों, इसमें जो ऑडियो जैक या ऑक्स केबल लगा के भी कर सकते हैं। और ये जो कनेक्टर आपको देख रहे हैं, इसमें आप डायरेक्टली BT कार्ड का जो केबल होता है उसको यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। और दोस्तों, इस बोर्ड में आपको DC 12 वोल्ट से लेके DC 24 वोल्ट तक देना है। दोस्तों, ध्यान ये रहे कि MPR जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा। आपको इसमें लगभग 3 एम्पियर से लेके 6 एम्पियर तक इसको देना है, इससे कम अगर आप दोगे तो इस बोर्ड का आउटपुट बहुत ही बुरा निकलेगा। और दोस्तों, इसमें जो कंडेंसर लगी हुई है ये 35 वोल्ट 2200 UF का है, दो लगी हुई है इस तरफ। और दोस्तों, इस बोर्ड में जो ये कॉयल लगी हुई है 1 2 3 4 1 2, इसमें जो ये 6 कॉयल लगी है, और इसमें जो ये PF है, सबसे दिक्कत इससे आता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसका कनेक्शन में कर लेता हूँ। और दोस्तों, इस बोर्ड में जितना अच्छा और बुरा है मैं सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के लिए मैं ले लूंगा वायर, और मेरे पास दोस्तों ये एक सबवूफर है। दोस्तों, ये 8 इंची का सबवूफर है 100 वाट, आप देख सकते हैं 8 ओम 100 वाट में सबवूफर है, कितना बढ़िया। मैग्नेट भी देखिए दोस्तों। और दोस्तों, मेरे पास जो सैटेलाइट स्पीकर है 6 इंची का, दो, एक स्वीटन कंपनी का एक सैमकॉन कंपनी का। तो दोस्तों, सबसे पहले जल्दी जल्दी इसका कनेक्शन कर लेते हैं। मैं दोस्तों इस बोर्ड में पावर देने के लिए यूज करूंगा जो ये मेरे पास है 24 वोल्ट 5 एम्पियर का ये SMPS, आप देख पा रहे हैं 24 वोल्ट 5 एम्पियर। और दोस्तों, इस बोर्ड का और एक खासियत है जो इस SMPS का खासियत है कि आप दोस्तों इसमें डबल सप्लाई ले सकते हैं, और इसमें जो ये पोटेंशियोमीटर है इससे आप 18 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक इससे ले पाएंगे। दोस्तों, मेरे इस SMPS का फुल वीडियो मेरे चैनल में है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे स्पीकर का कनेक्शन हो गया, मैंने सबवूफर का कनेक्शन भी कर लिया। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों, साथ में जो मेरा ये SMPS है इसका भी कनेक्शन मैंने कर चुका हूँ। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी इसमें मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसमें दूंगा पावर। पावर देने के लिए दोस्तों, आपको जो ये कनेक्टर है इसका इस तरफ है माइनस, इस तरफ प्लस, इस चीज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये गलत होगा तो बोर्ड फूक जाएगा। ये रहा इसका माइनस, इसका प्लस, और दोस्तों आगे इसमें हम स्पीकर लगाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं करूंगा इसमें जो सैटेलाइट स्पीकर होता है उसका कनेक्शन।
दूसरी वाला अब दोस्तों करेंगे हम इस सबवूफर का कनेक्शन उसमें। दोस्तों ध्यान बस इसमें रहे कि ये वायर आपस में कनेक्ट ना हो। चलिए हो गया। अब दोस्तों इसको ऑडियो इन देने के लिए मैं एक ऑक्स केबल का यूज करूंगा। दोस्तों मेरे पास जो ये ऑक्स केबल है मैं इसको इसमें करूंगा। आप बीटी कार्ड भी लगा सकते हैं इस कनेक्शन में। चलिए जल्दी जल्दी इसमें पावर देते हैं। इसमें दोस्तों पावर आ गया, ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। दोस्तों इसका वोल्टेज मैं जो दे रहा हूँ, इस वोल्टेज को मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ कितना वोल्टेज मैंने दिया है। ये वोल्टेज 20 वोल्ट से ऊपर है, इसलिए मैं इसमें 200 में सेट करके इसको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने इसको 22 वोल्ट के आसपास सेट किया, पूरे के 24 वोल्ट मैंने नहीं दिया क्योंकि दोस्तों ये ज्यादा वोल्टेज में ये बोर्ड हीट करता है, बहुत हीट करता है। तो दोस्तों इसका साउंड टेस्ट करते हैं। दोस्तों बहुत बेहतरीन सा साउंड मिल रहा है, आउटपुट बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों आप लोग तो देख ही चुके हैं इसका बोर्ड का आउटपुट कितना बेहतरीन है, 50+50+100 लगभग 200 वाट निकल लेता है। तो दोस्तों इस बोर्ड में क्या खराबी है और क्या खासियत है सब कुछ मैं बताता हूँ। दोस्तों इसमें जो आईसी लगी हुई है TP3116D2 तो दोस्तों ये लगभग 100 वाट और ये 100 वाट निकलता है। इसका 100 वाट दोनों में जाके 50+50 और 100 में आता है और इसका 100 में आता है। तो दोस्तों इसमें जो आईसी लगी हुई है ये भी क्लास और जो अलग सा बोर्ड होता है उसमें दिखता किया कि जो आईसी होता है बहुत हीट होता है। तो दोस्तों इस बोर्ड में आईसी का हीटिंग इशू आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों सबसे बड़ा दिक्कत है इस बोर्ड में कि दोस्तों इसमें जो एक कॉयल लगी हुई है ये 6 के 6 कॉयल बहुत ज्यादा हीट होता है। दोस्तों अगर इस बोर्ड को आप सिर्फ पावर ऑन करके रखोगे फिर भी ये बहुत हीट करेगा। और दोस्तों इसमें और बगल में जो ये पीएफ लगी हुई है साउंड फिल्टर के लिए ये भी बहुत हीट करता है। दोस्तों मेरे पास जो पहले का बोर्ड है ये, तो दोस्तों मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे कमेंट किया था कि भाई जो ये बोर्ड है क्लास डी का ये बोर्ड इसको आप 5 घंटे चला के देखो, 5 घंटे चला के इसका रिजल्ट मुझे बताओ। कि दोस्तों मैंने इसमें आगे तो मैंने ये 2 घंटे 3 घंटे चलाया था, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत हीट करता है, कॉलर जल जाता है। लेकिन दोस्तों जब मैं इसको लॉन्ग टाइम 5 घंटे ये चलाया तो दोस्तों इसका जो ये कंडेंसर कॉयल है, इसका जो कॉयल है एकदम से गल गया। पहले बार तो ये मैंने 3 घंटे चलाया तो ये इधर से निकल आया, फिर मैंने इसको वापस सोल्ड करके लगाया दोस्तों, फिर ये चल रहा था। लेकिन दोस्तों ये 5 घंटा होने के बाद मैं देखा खोल के बदबू आ रहा था बोर्ड से। तो दोस्तों ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा जल चुकी है। दोस्तों इसमें हीटिंग बिल्कुल नहीं आ रहा था और इस वाले जो पूरा कंपोनेंट है इसमें कोई हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो कॉयल है ये एकदम बुरी पूरी तरह से हीट हो रहा था। तो दोस्तों अगर इस बोर्ड को आप खरीद रहे तो दोस्तों ध्यान रहे कि अगर इस बोर्ड को आप जिसमें फिट करोगे एक फैन जरूर रहे, 12 वोल्ट या 5 वोल्ट जो भी हो अच्छा सा फैन इसमें रहे। इसमें जो फैन नहीं रहेगा तो ये गल जाएगा। दोस्तों इसमें अगर आपने ओवर वोल्टेज दे दिया 24 वोल्ट आर पार हो गया तो दोस्तों ये बहुत हीट करता है और ये जल जाएगा। और दोस्तों ये बोर्ड में खासियत ये है कि दोस्तों इसमें आपको अलग से इसमें सोल्ड नहीं करना पड़ेगा, इससे आप वायर लगा सकते हो। दोस्तों इसमें कोई इनबिल्ट ब्लूटूथ भी नहीं है और दोस्तों इधर से भी आप पावर दे सकते हो। और दोस्तों इसमें कोई हार्मिंग प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों हीटिंग प्रॉब्लम जरूर आएगा आपको।
तो दोस्तों इस बोट में और एक दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगा कि दोस्तों अगर इस बोट में आप बीटी कार्ड या कोई ऑडियो मॉड्यूल से आप इसमें ऑडियो इन कर रहे तो दोस्तों उस हालत में क्या होगा, आप इस बोट का जो बेस का क्वालिटी है थोड़ा कम जाता है, इसका जो साउंड है मैक्सिमम साउंड वो थोड़ा घट जाता है। और अब जब इसमें ऑडियो जैक लगाओगे ऑक्स केबल इधर डायरेक्ट, तो दोस्तों उसमें क्या होता है जो मोबाइल से डायरेक्ट इधर होता है तो साउंड बढ़ जाता है। और एक दिक्कत है कि दोस्तों अगर इस बोट में अगर पावर सप्लाई थोड़ा कम दोगे तो ये बोट क्या होगा, आवाज बढ़ाने में ये बोट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जो ये वी क्लास और दूसरा वाला बोट में वो नहीं होता है कि अगर आपने ज्यादा आवाज कर लिया पावर सप्लाई कम है तो आवाज फट जाता है, लेकिन ये क्या ऑटो बंद कर लेता है, शट डाउन हो जाता है बोट, फिर ऑन होके फिर चलता है, कुछ सेकंड के लिए बंद होके फिर चलता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कैबिनेट में फिट करके अच्छे से एम्पलीफायर तैयार करके मैं दिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।